वो बहुत अच्छे हैं। जैसे टीचर, टीचर लोग हैं ठीक है, मान लिए वो समझा रहे हैं, तो अगर बच्चे को 3 घंटा 4 घंटा लगातार समझा रहे हैं, बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर उनको आधे घंटा ही बढ़िया से समझाएं तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, वो हर एक चीज़ मैसेज सेंडर अच्छे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को अच्छे से वो समझाते हैं, उस पर जनता लोग अमल करते हैं और उनकी बातों को अच्छे से समझते हैं। भाई दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो माय पॉइंट इज बेटर लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता। जिस व्यक्ति में अच्छा सुनने का क्षमता नहीं होता है वो कभी भी अच्छा बोल नहीं सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा ही होता है, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वो अनपढ़ भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है। क्यों? क्योंकि वो सुनने की क्षमता रखता है। सुनने की क्षमता से ही हम अपने बात को दूसरों तक अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ऐसे आप लोग एक पॉइंट सुने होंगे कि पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। इसलिए सुनना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम किसी भी गलत बात को सुने। कोई भी अच्छी बात को ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक अगर हम किसी की बात को अगर सुनते हैं तो हमें उससे सीख मिलती है और हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, और हमेशा अच्छा करने की चाहत होती है। क्यों? क्योंकि अच्छा हम सुनते हैं। अगर वही चीज़ अगर हम खराब सुनते हैं, किसी बुरी बात को सुनते हैं और उसे अपने अंदर लाते हैं, तो वो फिर हमारे कैरेक्टर को खराब करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है। इसलिए मेरा पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए सभी को इस बात पे अमल करना चाहिए और सभी को सुनने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसा कि मेरे टीम ने, मेरे ग्रुप ने यह शो करना चाहा आप लोगों के सामने कि कम्युनिकेशन हम लोगों को एक